जाहिर है कार्यक्रम में बात करेंगे देश दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों की। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ऑस्ट्रेलिया में एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में 4 भारतीयों के डूबने से मौत हो गई है। मरने वाले लोग एक ही परिवार से संबंधित थे और छुट्टी मनाने फिलिप आइलैंड पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में स्थित भारतीय उच्चायोग ने इसकी जानकारी दी है। इसराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अहम घोषणा की है। न्यायालय ने घोषणा की है कि अदालत शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के आरोपों पर फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ गाजा में नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख किया था। माली में एक बड़ा हादसा हो गया है जिसमें करीब 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह हादसा सोने की एक खदान ढहने के कारण हुआ है। अब तक 70 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। हालांकि रेस्क्यू दल के अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और खदान की तलाशी कर रहे हैं। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। भारत की रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में जल्द ही एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इस साल मार्च तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात शुरू कर देगा। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत ने खुद इसकी पुष्टि की है। तेलंगाना के एक अधिकारी से एसीबी ने 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। एसीबी के अधिकारियों को तेलंगाना के अधिकारी बालकृष्णा के पास से 40 लाख कैश, 2 किलो सोना, कई महंगी गाड़ियां, कई महंगे स्मार्टफोन, 10 लैपटॉप और कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। बालकृष्ण के पास से एसीबी को कई कैश गिनने की मशीनें भी मिली है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय वीरता और सेवा पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक इस साल पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा के 1132 कर्मियों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। अब बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश के 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह गुरुवार को मंडी जिले के धर्मपुर में हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड, भारतीय रिजर्व बटालियन सकोह, एनसीसी तथा स्कॉट एंड गाइड की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न श्रेणियों के 10,000 पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के बाद घरेलू बिजली की दरों में 10-15% तक बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य बिजली बोर्ड की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर याचिका के माध्यम से विद्युत नियामक आयोग में दायर कर दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग का असर सेब उत्पादन पर भी पड़ रहा है। पर्यावरण असंतुलन से तापमान बढ़ गया है। नतीजन सेब उत्पादन का दायरा भी हिमालय की तरफ खिसकने लगा है। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान के शोध में यह खुलासा हुआ है। संस्थान के वैज्ञानिकों के मुताबिक हर साल सेब उत्पादन बेल्ट 57 मीटर पीछे यानी हिमालय की तरफ खिसक रही है। अब बात करेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल का वार्षिक बजट 2024-25 इस बार 17 फरवरी को पेश होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाने वाला यह बजट प्रदेश की आर्थिक और आम जनमानस के लिहाज से बहुत ही खास हो सकता है। लोकसभा चुनावों के सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाने से पश्चिम बंगाल और पंजाब में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने जहां पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने भी राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने आराध्य श्री राम के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ आया है। दूसरे दिन भी राम भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। राम भक्तों के सैलाब को देखते हुए भगवान के दर्शन का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। अब नजर डालते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। अदालत से लौट आई कांगड़ा एयरपोर्ट की पैमाइश। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की राहत एवं पुनर्वास प्रक्रिया के आश्वासन को अहमियत देते हुए हाईकोर्ट द्वारा चलाई गई रोक को निरस्त किया है। इस लेख को आप लौट आई एयरपोर्ट की पैमाइश शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। विज्ञान, अध्यात्म और हम, पीके खुराना का लेख भी यहाँ छपा हुआ है। लोकतंत्र की जननी है भारत, अनुज आचार्य का लेख भी यहाँ आप पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छावड़ी, जलहीन दुख की बदली, सुरेश सेठ का लेख भी यहाँ छपा हुआ है। अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने प्रूफ रीडर, असिस्टेंट एडिटर और डीटीपी ऑपरेटर्स पदों पर भर्ती निकाली है।
इच्छुक उम्मीदवार सीधे एनसीईआरटी के नई दिल्ली स्थित ऑफिस में 1 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।